नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम एक बार फिर से। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे और चेक करेंगे निस्कोमैट का मैश न्यूमलाइजर। तो दोस्तों, ये एक कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल न्यूमलाइजर है। मोस्टली जो बड़े बड़े न्यूमलाइजर्स होते हैं वो एसी पावर सप्लाई में चलते हैं, बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते। प्लस अगर हमें उन्हें इधर उधर ले जाना है तो वो भी मुश्किल होता है, उन्हें कैरी करना, बड़े होते हैं साइज़ में। बट ये एक पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट न्यूमलाइजर है, इसे आप बहुत ईजिली कैरी कर सकते हो। पोर्टेबल है, वन बटन ऑपरेशन है, इसको यूज़ करना बहुत ईजी है। ऑटो पावर ऑफ का भी इसमें आपको फीचर मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी इसे चेक कर लेते हैं कि क्या कुछ आपको बॉक्स में मिलता है, क्या कंटेंट्स आपको बॉक्स में मिलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट में आपको एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है। तो दोस्तों, ये इंग्लिश में है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। और यहाँ पर बहुत अच्छे से एक एक स्टेप को एक्सप्लेन किया गया है, आप देख सकते हो। तो कैसे आपने इस न्यूमलाइजर को यूज़ करना है, पोर्टेबल न्यूमलाइजर को, वो यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एंड यहाँ पर दोस्तों आपको दो बैटरीज मिल जाती हैं, इस न्यूमलाइजर में आपने डालनी है। नॉर्मल वाली जो डबल ए बैटरीज हैं वो है ये। तो यहाँ पे आपको एक ही केबल मिल जाती है, आप इसे डायरेक्टली पावर बैंक के साथ भी यूज़ कर सकते हो और मोबाइल का चार्जर भी लगा के इसे यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको ये मास्क मिल जाते हैं जो कि आपने लगाना है, इसमें अटैच करना है। एंड यहाँ पे दोस्तों वो एक्चुअल में हमारा मैश न्यूमलाइजर है, आप देख सकते हो। बॉक्स की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है तो डैमेज होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ न्यूमलाइजर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करूँ तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इन हैंड फील की बात करूँ तो हाथ में पकड़ते सारी पता लग गया है कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो चलिए पहले मैं आपको इसका फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ ऊपर की तरफ आपको मेडिकेशन कप मिल जाता है, तो यहाँ पे आपने वो लिक्विड मेडिसिन डालनी है। एंड यहाँ पे अगर आप साइडों में देखोगे तो इस कैप के साइडों में यहाँ पे रबड़ दे रखी है ताकि यहाँ पे प्रॉपर सीलिंग रहे, लिक्विड जो है वो यहाँ पे लीकेज ना हो। यहाँ पे आप इसको ऐसे क्लोज़ करके इसको यहाँ पे ऐसे लॉक कर सकते हो। एंड दोस्तों, यहाँ पे एक बटन दे रखा है, पुश लिखा हुआ है इस पर, तो इसको अगर आप प्रेस करोगे तो आप इस सेक्शन को अलग कर सकते हो। एंड क्लीनिंग के लिए फिर आप इसे बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो, क्लीन करना है तो, क्योंकि अगर यहाँ पे बैटरीज रहती है तो पूरा का पूरा क्लीन करना मुश्किल होगा। तो क्लीनिंग के टाइम आप इसे अलग कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आगे की तरफ यहाँ पे नोज़ल दे रखा है। एंड इसको लगाना है तो आपने जस्ट इसको ऐसे फिक्स करना है, बहुत इजी है इसको लगाना, और ये फिर से यूज़ करने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ पे एक बटन दे रखा है ऑन ऑफ के लिए। नीचे की तरफ यहाँ पे दोस्तों आपको बैटरी कंपार्टमेंट मिल जाता है, तो यहाँ पे आपने ये दो बैटरीज दो सेल डालने हैं। एंड यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव भी मेंशन किया गया है, देख सकते हो आप, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। एंड यहाँ पे अगर आप बैक साइड देखोगे तो यहाँ पे एक स्लॉट दे रखा है, तो यहाँ पे आपने केबल लगानी है। तो इन केस अगर बैटरी नहीं भी है, बैटरी ख़त्म हो गई है, तो आप इस केबल को यूज़ करके मोबाइल के चार्जर के साथ या फिर आप पावर बैंक के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हो, इस न्यूमलाइजर को। तो चलिए दोस्तों, अब इसे यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपने बैटरीज डाल देनी है पहले, तो यहाँ पे दोस्तों नेगेटिव है तो यहाँ पे आपने ऐसे बैटरी डालनी है। एंड यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपने ऐसे बैटरी डालनी है। एंड फिर इसको क्लोज़ कर देना है। एंड फिर यहाँ पे दोस्तों आपने वो लिक्विड मेडिसिन डालनी है। तो अभी डेमो के लिए मैं यहाँ पे पानी डाल के दिखा रहा हूँ आपको, बट आपने मेडिसिन डालनी है। एंड मेडिसिन आपको प्रॉपरली पता होनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन डालनी है, कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है, ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पहले कन्फर्म कर लेना है। एंड फिर आपने यहाँ पर मेडिसिन डालनी है। यहाँ पे हम थोड़ा सा डेमो के लिए पानी डाल रहे हैं। तो फिर आपने इस कैप को अच्छे से क्लोज़ कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद अब दोस्तों आप इस बटन को थोड़ा होल्ड करोगे तो देखिए ऑन हो जाएगा, देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी यहाँ पे स्टीम आ रही है। तो ऐसे आप इस न्यूमलाइजर को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आप, आपने बटन को होल्ड करना है तब ये ऑन होता है। दोबारा से अगर आप इसे होल्ड करोगे तो देखिए ऑफ हो गया। तो बटन को होल्ड करने से ये ऑन या ऑफ होता है। तो चलिए अभी हम इसमें मास्क लगा देते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे दो मास्क मिल जाते हैं, तो एक मास्क जो है वो बड़ा है एंड एक मास्क जो है वो छोटा है। तो यहाँ पे एक एडल्ट के लिए है एंड एक बच्चों के लिए है। तो चलिए अब इनमें मास्क फिट कर देते हैं। तो अभी मैं बड़ा वाला मास्क लगा देता हूँ इसमें। तो जस्ट इसको सिंपली आपने ऐसे यहाँ पे लगा के प्रेस कर देना है और ये लग जाता है, ज़्यादा कुछ इसमें डिफ़िकल्टी है नहीं। तो दोस्तों, ऐसे कुछ ईजिली आप इसमें मास्क लगा सकते हो और फिर आप इसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जस्ट आपने ये बटन प्रेस करना है, होल्ड करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो देखिए, आप ऐसे इसको यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, इसमें आपको ऑटो पावर ऑफ का फीचर मिल जाता है। तो इनकेस अगर इसमें मेडिसिन ख़त्म हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली ही पावर ऑफ हो जाता है। और अगर ये खाली है, इसमें मेडिसिन नहीं है, तो भी अगर आप इसे ऑन करने की कोशिश करोगे तो ये ऑन नहीं होगा। एंड यहाँ पे दोस्तों हमारे पास निस्कोमैट का डिजिटल थर्मामीटर भी है, तो चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं अभी हम। एंड दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे केस में ये डिजिटल थर्मामीटर आपको मिल जाता है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास है निस्कोमेट का डिजिटल थर्मामीटर। तो अगर आपको अपनी बॉडी का एक्चुअल टेम्परेचर चेक करना है तो आप इस थर्मामीटर को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक बटन दे रखा है तो इसको अगर आप प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाता है। तो दोस्तों आप इसकी सेटिंग को फ़ारेनहाइट में भी सेट कर सकते हो या फिर आप इसे सेल्सियस पे भी रख सकते हो। इस बटन को अगर आप होल्ड करते हो तो ये चेंज हो जाता है। जैसे अभी ये देखिए फ़ारेनहाइट में है, तो अगर मैं इसे होल्ड करूँ, देखिए अभी ये सेल्सियस में हो गया। तो आप इस बटन से इसको सेल्सियस में भी सेट कर सकते हो या फिर फ़ारेनहाइट में भी सेट कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आपको इसमें मिल जाते हैं। तो दोस्तों निस्कोमेट जो है ये एक ISO सर्टिफाइड ब्रांड है। आप niscomet.com पे जाके इनके काफ़ी सारे मेडिकल डिवाइसेस भी चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी दोस्तों आप देख सकते हो इनके काफ़ी सारे मेडिकल डिवाइसेस आते हैं, जैसे डिजिटल बीपी टेस्टर्स आते हैं, स्टेटोस्कोप्स आते हैं, फीटल डॉपलर्स आते हैं, हॉट वाटर बैग आते हैं, डिफरेंट मॉडल्स के निमोलाइजर्स आते हैं, डिजिटल थर्मामीटर्स आते हैं, ऑक्सीमीटर्स आते हैं, ब्रेस्ट पंप्स भी आते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इंफ्रारेड लैंप आते हैं, इनके डिजिटल विंग स्केल्स आते हैं, लेग मसाजर्स भी आते हैं और इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट आपको दोस्तों अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगे। और दोस्तों इनका यूट्यूब चैनल भी आप देख सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, अशोक एंटरप्राइजेस, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नवी चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और आप निस्कोमेट के काफ़ी सारे मेडिकल जो प्रोडक्ट हैं डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं।